Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So let me tell you something about Kinnaur, that Kinnaur district is one of the 12 administrative districts of Himachal Pradesh in northern India. The district is divided into three administrative areas and has six tehsils. The administrative headquarters of district is at Rikongpio. The tehsil names are Kalpa, Pu, Sangla, Morang, Hengrang and Nischar. Also, kafi sari jo administrative work hai wo Baba Nagar mein bhi hote hai. And the vehicle registration of number of Kinnaur is HP 25, 26 and 27. So this is whole about Kinnaur guys, and this is Trana Dhang जो आप देख रहे हो सामने, बहुत ही ज़्यादा dangerous, world most dangerous road में आता है this place. Looks so beautiful. Good morning everyone. Welcome back to my channel. It's the third day and हम जहाँ रुके थे सर के हाउस में, यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिखता सामने को, क्योंकि वो जो सनराइज हो रहा है वो सामने से हो रहा है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती चोटियों पे बर्फ, बट यस बहुत सुंदर व्यू है. एंड जो ये होम स्टे है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड या लेट मी शो यू द व्यू. वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन और ये कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और वो वाला हमारा रूम है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल. आई थिंक अभी ये यहाँ पे किन्नौर में फ्लावर्स की फ्लॉरिंग होती है, मुझे लगता है. आई मीन फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे. फूलों का धनी लग रहा है मुझे किन्नौर. वो सामने ना वहाँ पे देखो, सामने आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा चोटियों पे बर्फ. अभी दिखेगा नहीं बिकॉज सनराइज वहाँ से ही हो रहा है. कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है गाइस. आई थिंक वो न्योजा का पेड़ है आई थिंक. देखो मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इधर तो सारे न्योजे के पेड़ हैं. ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर ऊपर तक, ये सारे न्योजे के पेड़ हैं. हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके. हाँ ये सारे न्यूजे की पेड़ है, और किन्नौर की स्पेशलिटी देखो आप, पूरे न्यूजे कितने और पता है न्यूजे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. हाय, तो हम लोग अभी ये देखने आए थे, यहाँ पे प्लॉट है काफी बड़ा, दिखाओ. वो वहां से वहां तक उस नाले तक, और यहाँ तक का आने का सफर बहुत ही मुश्किल रहा है दोस्तों. नीचे कांटे कांटे चुभ गया ऐसा लग रहा है मुझे, और नीचे ढांक है पूरी, रास्ता नहीं है, और मैं चप्पलों में हूँ, चप्पलों में. तो ये ट्रैकिंग मेरी सामने अब नहीं रहेगी लग रहा है, नीचे तक मैं गिर जाऊंगी. यार बहुत खतरनाक रोड है सीरियसली. अब मैं ऊपर तो आ गया लेकिन नीचे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेतीली भी है थोड़ी थोड़ी, बट देखते हैं चप्पल में पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, ट्राई करते हैं. क्योंकि इस टाइम पे ना कुंभर नहीं है, तो कुंभर भी होते, पता कुंभर होते ना चिपक जाते सारे, ये कुंभर है पता है, एक सारे कुंभर है. चलो फिर चलते हैं. तो गाय जो ये जगह थी ना वो थी चोलिंग. यहाँ पे हम लोगों को एक प्रॉपर्टी देखने जाना था एंड हम देख के आ चुके. चढ़ना तो मेरे लिए था ही मुश्किल क्योंकि मैं चप्पलों में चढ़ी, लेकिन उतरना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. ऊपर से मैं शॉर्ट्स में थी तो पूरे मेरे टांगों में रैशेस पड़ गए थे. एंड ये हम लोग पहुँच चुके हैं त्रांडा धांग. क्या आपको पता है गाय जो किन्नौर है ना, दैट इज़ होल स्केड्यूल ट्राइब एरिया. पूरा किन्नौर स्केड्यूल ट्राइब में आता है. ऑल्सो स्केड्यूल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है क्योंकि स्केड्यूल 5 जो है वो डील करता है ट्राइबल एरिया को. एंड देयर आर टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशंस. सो यस, 5 नंबर का जो है वो डील करता है ट्राइबल एरिया. एंड दिस इज त्रांडा ढाक, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है ये. दिस इज सो ब्यूटिफुल ऑल्सो. अभी हम लोग ना त्रांडा ढाक पहुँचे, देख सकते हो आप पीछे. एंड अभी हम लोग निकल पड़े हैं शिमला के लिए, ऑन द वे है, वापस जा रहे हैं अपना ट्रिप कंप्लीट करके.
और आपको पता ही ना वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड भी है, वर्ल्ड डेंजरस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड है ना. तो आप देख सकते हो कितना डेंजरस है, पूरा ढाई है ये, और ये बहुत लंबे लंबे तक फैला है मुझे ऐसा लगता है, आगे तक है, वहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक ख़त्म होता है और नीचे सतलुज नदी. ये कौन सी जगह है आंटी? नारकंडा पहुंचे अभी हम. हाँ तो हम लोग ना नारकंडा से निकल गए थे और रास्ते का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वेदर अच्छा था बट गर्मी भी काफ़ी थी. रामपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हम लोगों को एंड ये था कुछ रास्ते का व्यू एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा जो ट्रिप था ओवरऑल वो बहुत अच्छा रहा. और यहाँ पे आंटी ड्राइव कर रहे थे क्योंकि अच्छी रोड आ गई थी आगे, तो आंटी को था कि मुझे ड्राइव करना है एंड हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे शिमला. हाय अगेन, कल रात को जब मैं पहुंची तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आई वाज सो टायर्ड और मैं आपके ही सोई तो नहीं बट यस टायर्ड थी और आई वाज नॉट इन अ मूड टू रिकॉर्ड एनीथिंग तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. एंड अभी आफ्टरनून हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आई शुड इन माय व्लॉग हियर ओनली. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा किन्नौर के पहाड़ एंड ढाक जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे एंड लोग तो और भी ज़्यादा सुंदर थे. So yeah, that is it for the vlog. Thank you so much for watching. Okay, bye.